दोस्तों, एक चीज जो आर्ट में आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी फास्ट, जिस लेवल पे पहुंचने में आपको 6 महीने लगने चाहिए, उस लेवल पे आप 2 महीने में पहुंच सकते हो अगर ये चीज आप फॉलो करो। वो चीज क्या है, आपको ध्यान से इस बात को आप लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं। आपको हर समय आर्ट के बारे में सोचना है। मैंने अभी कुछ पोस्ट डाली थी कि आप कितना टाइम देते हो आर्ट को। कईयों ने कहा हम 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, हम 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, हम 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। गुड, आप लोगों की हर किसी की जिंदगी अलग है। आप अलग अलग अपने हिसाब से पूरा टाइम कोशिश करते हो, जितना आप दे सको देते हो, पर जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप कुछ और काम करते हो, आप स्टूडेंट हो जो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं भी आप जाते हो जहाँ पे आप पेंटिंग नहीं कर सकते, ड्राइंग नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको आर्ट के बारे में सोचना ज़रूर है। सोचना क्या है, ये नहीं सोचना कि मैं कब घर जाऊँ, कब पेंटिंग को टाइम दूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, टेंशन है वो, सोचना नहीं है वो। सोचना क्या है, आप बैठे हो अपने रूम में, आपके सामने कुर्सी पड़ी है, सोचना है अगर मेरे पास, अगर अभी अब कॉपी होता, मेरे पास पेंसिल होती, तो मैं उसको कैसे ड्रॉ कर रहा होता। मेरे सामने ये कैमरा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे बनाऊँगा कि ड्राइंग सही बन जाए। है कुछ नहीं, पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ मन ही मन कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इसको कैसे बनाता कि ये सही बन जाती, इसकी आउटलाइन सही से आ जाती। तो कहीं पर भी आप कैसे भी हो, आप कहीं बाहर रस्ते में हो, तो इस तरीके से आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। अब जब नॉर्मली जो चीज़ें के बारे में सोचते हो उसको हटाओ और आर्ट के बारे में सोचना चालू करो। और ये एक छोटी सी पॉइंट आपको लग सकती है, पर ये कितना बड़ा चेंज ला सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने अपना जो पास्ट ईयर्स हैं कुछ उसको ऑब्जर्व करके देखा कि मेन जो चीज़ था, प्रैक्टिस ज़रूरी है, नो डाउट, प्रैक्टिस करके आप जो सोच रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, पर जो सोच को स्ट्रांग करने का जो चीज़ है वो तभी आएगा जब आर्ट के बारे में आप कंटिन्यूसली सोचोगे। और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग जो आर्ट के बारे में सीरियस है, मेरी बात को सीरियसली लोगे और ट्राई करोगे। अभी आपकी ये आदत नहीं है कि आप इस तरीके से सोचो कि कहीं भी बैठे हो मैं सोच रहे हो कि मैं इसको ड्रॉ कर रहा तो कैसे बनता, इसकी कलर ऐसे आती तो कैसे बनती। चीज़ों को सामने देखो, उसको अगर इमेजिन करो कि अगर मैं सामने ही वैसे ही बना पाता तो कैसे बनता, वैसे ही बना पाती तो कैसे बनता। ये चीज़ अगर आप सोचना चालू करते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपकी आदत नहीं है ऐसी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन एक बार इस मेरी बात को याद रखना। और जब भी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अपने आसपास एक रूम में, अपने रूम में आप कहीं पे भी ये वीडियो को देख रहे हो, एक बार नज़र घुमाना, जो भी सामान है किसी एक चीज़ को देखना, सोचना कि अगर मैं सामने अगर पेपर से इसको बनाने की कोशिश करता या करती तो कैसे बनता ये, सिर्फ सोचना। और वही चीज़ जो आप उस समय सोच रहे हो वैसी ही चीज़ आपको डेली बेसिस पे हर दिन करनी है, और ये बहुत स्ट्रांग चीज़ है। आप बहुत जल्दी इंप्रूव करोगे, क्योंकि आपका मेंटल जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए। और चीज़ों को समझ पाना ही ड्राइंग को इंप्रूव कर पाना है। हम ड्राइंग इसलिए इंप्रूव नहीं कर पाते कि हम एक लाइन को 100 बार बना रहे हैं, हम ड्राइंग इसलिए इंप्रूव कर पाते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि लाइन हम टेढ़ी बना रहे थे, हमें सीधी बनानी चाहिए, और वो जब पता चलता है तब वो सीधी बन जाती है। और वो पता करने के लिए हमें वैसा सोचना पड़ता है, और वो सोच को डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने सोच को इस तरीके से रखने की। अगर आप इस तरीके से सोचोगे, आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, आप समझोगे कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी चाहिए, मैं अभी तक ऐसे नहीं बना रहा था, नहीं बना रही थी, अब मैं ऐसा बनाऊंगा, जल्दी इंप्रूव होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिनके आर्ट के लवर्स जो भी हैं, सब तक ये वीडियो पहुँचा दो। प्लीज़ कॉमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो।